अनन्या पांडे का आज एनसीबी के दफ्तर में 11 बजे पेश होने का है आदेश। कल एनसीबी के जोनल डायरेक्टर ने अनन्या से 2 घंटे तक की थी पूछताछ। बोरीवली से सीएसएमटी के बीच जल्द शुरू होगी लोकल सेवा, काम जोरों शोरों से हुआ चालू। नवाब मलिक के आरोपों को एनसीबी ने किया खारिज, कहा मैं उस समय दुबई में था, ये आरोप पूरी तरह झूठे। भारत ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन के चरण का किया पूरा, नरेंद्र मोदी की वजह से हुआ संभव, देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान। आर्यन खान की बड़ी मुश्किलें, सेशन कोर्ट ने 30 अक्टूबर तक बढ़ाई कस्टडी। नवाब मलिक के हमले पर समीर वानखेड़े ने किया पलटवार, कहा मलिक के आरोपों के खिलाफ करूंगा कायदानुसार कार्रवाई। दिवाली के दौरान कम हो सकती है पेट्रोल डीजल की कीमतें, मोदी सरकार कर रही है उत्पादन शुल्क कम करने पर विचार। मुंबई में बीते 24 घंटों में कोरोना के 429 मामले आए सामने, 5 लोगों ने गवाई जान। दुबई मालदीव जाकर फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से की गई वसूली, समीर वानखेड़े पर मलिक का गंभीर आरोप। कोयले की कमी के लिए महाराष्ट्र सरकार दोषी, कोयले की भरमार होने पर भी नहीं उठाया नया स्टॉक, राव साहब दानवे ने लगाया आरोप।